हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रीडम क्लासेस चैनल पर। आई एम सौरभ कुमार फ्रॉम फ्रीडम क्लासेस ग्रेड 8। तो जैसा कि मैंने सीखा है कृष्णा सर के गाइडेंस में, जो कुछ भी सीखा है आज मैंने उसको आप सबों के सामने डिलीवर करने जा रहा हूँ। और ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो जिसका पार्ट 3 में वीडियो बन चुका, पार्ट 3 है ये इसका, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसीलिए चैप्टर को ध्यान में रखते हुए, बड़ा चैप्टर है तो उसको मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। पहला पार्ट और सेकंड पार्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ड्रॉप कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जरूर से देख लें, फिर आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का 3 पार्ट है, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट और ब्लड वेसल्स हमने पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, और ये है ब्लड 3rd पार्ट, ठीक है। तो चलिए, ब्लड क्या है? ब्लड को बोला जाता है रेड कनेक्टिव टिश्यू, दैट फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। इट्स कॉल्ड ब्लड। तो ब्लड क्या है? रेड कनेक्टिव टिश्यू है। यहाँ से ये पॉइंट हमको मिल रहा है, मतलब ये कि ब्लड जो है ये काफ़ी सारे सेल से मिलकर बना है, और ढेर सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। और ये जो है इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है ढेर सारे इसमें सेल्स, मतलब इसमें ढेर सारे सेल्स पाए जाते हैं। इसीलिए रेड कनेक्टिव टिश्यू दैट फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, जो रेड कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड वेसल के अंदर जो है फ्लो करते रहता है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि द फ्लूइड दैट फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स, मतलब वैसा फ्लूइड जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लोज करते रहता है उसको बोलते हैं ब्लड, ठीक है। ये रेड कनेक्टिव टिश्यू है, उसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ ब्लड के बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो हम जान लेते हैं। ये जितना भी मतलब ह्यूमन बींग है, ठीक है, ह्यूमन बींग, उसका जितना भी वेट हो, चाहे 40 केजी हो, 50 केजी हो, 60 केजी हो, जितना भी हो, उसका जो है 7% जो है ब्लड का वेट, मतलब ब्लड होता है उतना लीटर, ठीक है, 7%। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका उसका जो है 50 किलोग्राम जो है उसका वेट है, ठीक है, 50 किलोग्राम वेट, तो उसमें ब्लड कितना होगा अगर निकालने के लिए बोला जाए, तो उसका 7% हम निकाल लेंगे, 7% हम निकाल लेंगे। अब 7.2 को हम डिवाइड करेंगे, जितना आ रहा उतना लीटर उसके बॉडी में ब्लड है, बस यही कहना था मुझे। और 7% जो है ब्लड होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट ये है कि फीमेल में कितना ब्लड होगा। फीमेल में जो है 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, 4 से 5 लीटर ब्लड होगा। मेल में कितना होगा? मेल में जो है 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी है ब्लड के बारे में। अब देखिए इसका क्या क्या कंपोजिशन है वो हम जानते हैं। पहले फंक्शन जान लेते हैं ब्लड का क्या है, ये तो सारा मेन पॉइंट्स था इसके बारे में कुछ। अब देखिए क्या फंक्शन है ब्लड का, फंक्शंस ऑफ ब्लड। पहला फंक्शन आ जाता है इसमें कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन किसका करेगा? ट्रांसपोर्टेशन तो न्यूट्रिएंट्स, जो हम फूड हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली लाइक प्रोजेक्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विली कहा जाता है। वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड में मिला देता है, और ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को पूरे सेल्स तक, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन को हर एक सेल तक, बड़ी सेल तक पहुंचाता है लंग से लेके, CO2 को पूरे बड़ी सेल से लेके जो है पहुंचाता है कहाँ तक, तो लंग्स तक CO2 को पहुंचाएगा। उसके बाद हार्मोन्स भी क्या होता है,
वो ब्लड में मिल जाता है, और ब्लड क्या करता है, ये सभी चीज़ को कैरी करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। तो पहला फंक्शन था इसका, ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसका कि प्रोटेक्शन का काम भी करता है, प्रोटेक्शन भी करता है। पहला तो ट्रांसपोर्टेशन, किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो हमने देख लिया। दूसरा है प्रोटेक्शन, तो किस चीज़ का मतलब कैसे ये प्रोटेक्ट करता है, जो कैंसरियस सेल है, कैंसरियस सेल्स, जो वैसा सेल मतलब सेल ढेर सारा ग्रुप बनाया रहता है, तो क्या होता है वो कैंसर का फॉर्मेशन करता है, मतलब कैंसर हो जाता है, तो उसी को क्या करता है ये कैंसरस सेल को, ये ख़त्म करता है ब्लड, ठीक है ना। ब्लड उसी को क्या करेगा, ख़त्म भी करेगा कैंसरस सेल को, और जो फॉरेन मटेरियल्स है जैसे इन्फेक्शियस माइक्रोब्स मतलब वैसा माइक्रोब्स जो फूड के साथ या फिर सांस लेते वक्त हमारे अंदर चला आता है, तो अगर फूड के साथ आया तो वो तो जनरली जो एसिड्स या फिर जो भी जूसेस सीक्रेट्स होते रहते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसी में मर जाता है। अगर फिर भी कोई नहीं मरा या फिर एक्सक्रेट मतलब या फिर जो सांस के थ्रू मतलब चला गया, जो हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू चला गया, अगर काफ़ी छोटा है तो उसको क्या करेगा, ब्लड ख़त्म कर देगा। उसके बाद तीसरा है हमारा कि ये रेगुलेशन का काम भी करता है, मतलब रेगुलेट करता है, किस चीज़ को रेगुलेट करेगा, तो बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है ब्लड। ब्लड क्या करेगा, पहले तो ट्रांसपोर्टेशन किस किस चीज़ का करेगा ये हमने देख लिया, प्रोटेक्शन करेगा बॉडी का, कैसे करेगा, तो कैंसरस सेल इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को मारेगा, कैंसरस सेल को ख़त्म करेगा, और तीसरा है यहाँ पे, और ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग, इससे भी ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो इससे भी प्रोटेक्ट करता है ये हमारे बॉडी को, और रेगुलेट करता है कैसे, तो बॉडी को पूरा उसका टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करेगा, रेगुलेशन का भी काम करता है, और कितना अमाउंट में हमको वाटर चाहिए, हमारे सेल्स में वाटर रहता है, तो वाटर को भी ये क्या करेगा, पूरे सेल्स तक रेगुलेशन मतलब जितना क्वांटिटी में चाहिए उसको पहुंचा देता है, तो वाटर को भी ये रेगुलेट करके रखता है पूरे बॉडी में। था हमारा पहले ब्लड पढ़ा हमने इस पार्ट में, फिर फंक्शंस ऑफ ब्लड, इसका क्या काम है, तो मेनली तीन काम हमने बताया यहाँ पे, इसका तीन फंक्शंस। अब पढ़ेंगे हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है, वो अब हम जानेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। मेन कंपोनेंट्स, ठीक है, तो देखिए पहले पहले में जो है वो दो पूरे कंपोनेंट्स को हम दो भाग में बांट दिए ब्लड के कंपोनेंट्स को। पहला हो जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा, और दूसरा में हो जाएगा ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर ब्लड सेल्स, ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ। अब देखिए प्लाज्मा में दो चीज़ रहता है, प्लाज्मा में या तो वो वाटर रहेगा, मतलब वाटर रहता है 92% के लगभग वाटर रहता है, ठीक है, और इसमें प्लाज्मा में दूसरा चीज़ रहेगा सम डिजॉल्व्ड मटेरियल्स, मतलब कुछ मिला हुआ, बाकी का 8% मिला हुआ रहता है इसमें मटेरियल्स, और इसमें किस किस टाइप का चीज़ रहेगा, ये 8% रहता है इसमें किस किस, ये तो वाटर रहेगा 92% प्लाज्मा में, और दूसरा चीज़ इसमें रहेगा मतलब सम डिजॉल्व्ड मटेरियल्स 8%, बाकी के 8% इसमें सॉल्ट्स रहता है, फैट्स रहता है, अमीनो एसिड और वेस्ट प्रोडक्ट यानी CO2 भी रहता है। एनर्जी जो बनता है तो उसमें CO2 जो है वो वेस्ट मटेरियल बनता है, और वेस्ट मटेरियल भी रहता है इसमें, ताकि वो लंग्स तक उसको कैरी कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। अब ब्लड सेल्स में, ये तो प्लाज्मा के बारे में हमने जान लिया पूरा, अब इसमें है तीन चीज़, इसमें मेन तीन चीज़ रहता है,
पहला तो वो है हमारा आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। दूसरा WBCs और तीसरा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आरबीसी का क्या फंक्शन है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। यह डिस्क सेपेड होता है, डिस्क सेपेड, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को ये कैरी कर सके। इसमें एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। इसका फंक्शन क्या है, ये O2 को कैरी करता है, O2 कैरी, O2 मतलब ऑक्सीजन को ये कैरी करेगा, ठीक है। और देखिए इसका जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज का होता है, 120 डेज का। और इसका जो है मतलब ये फिर जाके कहाँ ख़त्म हो जाएगा, वो स्प्लीन या फिर लीवर में, स्प्लीन या लीवर में ये जाके ख़त्म हो जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड मीन्स शमशान घाट, तो वहाँ पे ये जाके मर जाता है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका फॉर्मेशन होगा आपको बोन मैरो में, बोन मैरो अस्थि मज्जा, हड्डी के अंदर जो है वो रेड कलर का, ब्राउनी टाइप का, थोड़ा रेडिश कलर का एक सब्सटेंस होता है, उसी में इसका आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट्स है आरबीसीज के बारे में, ये सबको पूरा ध्यान में रखिएगा। और अगर आरबीसी का ये कमी हो जाए ब्लड में, तो एक एनीमिया हो जाता है, डिजीज हो जाता है जिसको एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब WBCs के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ये होता है सर्कुलर, ऐसे तो ये अपना शेप को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, पहला फंक्शन हमने पढ़ा ब्लड का, तो पहला ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा क्या पढ़ा हमने कि प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन में क्या कैसे करता है, ब्लड क्लॉटिंग भी करता है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है ये ब्लड, मतलब WBCs वाइट ब्लड सेल्स। और कैसे, तो ये मतलब कहीं अगर घाव हुआ स्किन सरफेस पे, तो ये क्या करेगा, अपना शेप चेंज करके बाहर निकलेगा और ब्लड क्लॉट कर देगा वहाँ पे, ठीक है। सर्कुलर होता है ये, इसका जो है 5 से 7 दिन तक लाइफ स्पेन होता है, लाइफ स्पेन इसका, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है पूरे ब्लड में वो 7 से लेके 11,000, मतलब 7 to 11,000 तक इसका क्वांटिटी होता है। अगर इम्बेलेंस हुआ ये तो एक डिजीज, तो ये WBCs के बारे में था। अब प्लेटलेट्स क्या करेगा, तो प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग। WBCs का बस सर्कुलर होता है 5 से 7 दिन और 7 से 11,000 तक रहता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में नहीं, ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और इसका भी जो है 5 से 7 दिन तक इसका भी क्या होगा, लाइफ स्पेन होगा। और तीसरा इसका पॉइंट हो जाएगा हमारा कि 2 to 3 माइक्रोन तक का इसका, माइक्रोमीटर तक का इसका साइज होता है। और माइक्रोमीटर आप समझते होंगे आई थिंक, माइक्रोमीटर काफ़ी छोटा होता है और बस 2 से 3 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्लेटलेट्स कितना छोटा होता होगा।